पहेली सोच बदल देने वाली कहानी। एक बार राजा अकबर ने एक बहुत ही सुंदर महल बनवाया और उसके गेट पर एक गणित की पहेली लिख दी। उन्होंने यह पूरे राज्य में ये ऐलान करवाया कि राज्य का जो भी व्यक्ति महल के दरवाजे पर लिखी इस पहेली को हल कर दरवाजे को खोल देगा उसे वह बहुत बड़ा इनाम देंगे। राजा का ऐलान सुनकर पूरे राज्य और अन्य राज्यों से भी ज्ञानी विद्वान और गणितज्ञ इनाम पाने के लिए उस नए बने महल के पास आते और उस दरवाजे पर लिखी उस पहेली को जी जान से सुलझाने की कोशिश करते, लेकिन कोई भी उस पहेली का हल नहीं कर पाया। राजा ने इस पहेली को सुलझाने के लिए कुछ ही दिनों तक का समय दिया था। दिन बीत गए और आखिरी दिन भी आ गया, लेकिन कोई भी उस पहेली को सुलझा नहीं सका। आखिरी दिन दो गणित के बहुत बड़े विद्वान उस द्वार के पास आए, क्योंकि आखिरी दिन था इसलिए राजा अकबर और उनके साथ में बिरबल भी यह देखने आए कि क्या यह दो विद्वान जिनके बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ सुन रखा था वो इस द्वार पर लिखी पहेली को सुलझाकर उस दरवाजे को खोल पाते हैं या नहीं। उन दोनों विद्वानों ने अपने साथ लाई ढेर सारी गणित की किताबें एक के बाद एक पलट डाली, लेकिन वे दोनों भी उस पहेली का किसी तरह से हल नहीं ढूंढ पाए। यह देखने के बाद राजा अकबर का चेहरा उदास हो गया। वह सोचने लगे कि क्या उनके राज्य में कोई भी इतना समझदार नहीं है कि एक छोटी सी गणित की पहेली को हल कर पाए। अकबर के पास में खड़े बिरबल ने उनके चेहरे से उनकी परिस्थितियां भांप ली। जब राजा ने बिरबल की तरफ इस उम्मीद से देखा कि वह इस पहेली का हल सुलझा देगा, तो बिरबल ने सामने से राजा से कहा कि महाराज, अगर आप कहें तो मैं एक बार कोशिश करूं। अकबर ने बिरबल को तुरंत अनुमति दे दी। बिरबल उस दरवाजे के पास गया और धीरे से उस दरवाजे को धक्का दे दिया। वह दोनों बड़े विद्वान और वहां के खड़े बाकी सभी लोग यह देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वह दरवाजा खुल चुका था। सभी ने बिरबल से पूछा कि उसने यह कैसे किया। तब बिरबल ने सबको बताया कि जब मैं शांति से खड़ा था तब मैंने शांत मन और दिमाग से सोचा कि पहले मैं ये निश्चित कर लूँगा कि सच में कोई पहेली है या नहीं। जैसे कि आप सब ने देखा, ऐसी कोई पहेली नहीं थी जिसका हल हमें ढूंढना था। हमें बस यह पता करना था कि दरवाज़ा इस पहेली के बिना भी खोल सकता है या नहीं। दोस्तों, बिरबल अकबर की एक छोटी सी प्यारी सी कहानी हमें ज़िंदगी में बहुत काम आने वाला अनमोल पाठ सिखाती है। अक्सर हम ऐसी समस्याओं को बहुत बड़ी बना लेते हैं जो वास्तव में समस्या होती ही नहीं है, बस हमारे दिमाग में आए कुछ फालतू के विचार होते हैं जिनके बारे में ज़्यादा सोच सोच कर हम परेशान होते रहते हैं। ऐसे में हमें सबसे पहले किसी भी समस्या को समस्या समझने से पहले जांच करना या यह निश्चित करना आवश्यक है कि वह समस्या है भी या नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।